पिशावर से, बन्नू से लेकर नगर पार्कर तक से लोग आए हैं। खेतों में काम करने वाली जो हमारी एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, वो हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, ऑफिस वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और पार्लियामेंटेरियंस, तो रेंज पूरी है हमारे पास यहाँ पर। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आपस में बातचीत करें। एक मिशन के साथ हम इस जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हम मजदूर जो हैं वो इनके साथ हैं और हमारी जो MNAs, MPAs, जो भी हमारी खवातीन हैं, पुलिस कमांडो जो भी हैं, सब हम मिलकर एक आज वचन करें कि हम सब लेडीज एक हो जाएंगे और हमें कोई भी हिरासत नहीं कर सकेगा। I'll give a brief background of today's assembly. आशा का एक ये tradition रहा है, एक रिवायत रही है कि हर साल 22 दिसंबर को वो एक इकट्ठ करते हैं। और इसका background ये है कि एक इस तरह का हरासियत का एक केस था जो पहला पूरे पाकिस्तान में एक मंजर-ए-आम पे आया था और सिविल सोसाइटी ने ये फैसला किया था कि हर साल 22 दिसंबर को वो इस जद्दोजहद और औरतों के एक तहफ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का इकट्ठ करेंगे जहाँ काम करने वाली औरतें इकट्ठी होंगी और अपने हकूक़ की बात करेंगी। ये आज 10वीं असेंबली है और मैं समझती हूँ कि हमारी स्ट्रगल भी आज 10 साल की हुई और इस आज का जो इकट्ठ है इसमें एक सेलिब्रेशन का एलिमेंट है, क्योंकि जो हमारा गोल था वो इस साल पूरा हुआ। हमारा हद ये था कि हरासियत के खिलाफ और काम करने वाली औरत के हकूक़ के हक़ में पॉलिसीज़ बनेंगी और कानून बनेगा, और वो इस जमहूरी हुकूमत ने हमारा एक जो बहुत ही अहम डिमांड हमारी थी वो पूरी की। मैं समझती हूँ कि उनके बेनज़ीर साहिबा की कोटेशन इससे बेहतर कोई हम नहीं ढूंढ सकते जितनी ये एक तस्वीर पे मुझे मिली जो उन्होंने 1989 में शहनाज़ साहबा को दी थी। एंड इट सेज़ टू शहनाज़ विद गुड विशेज़ फ्रॉम वन वर्किंग वुमन टू अनदर, बेनज़ीर भुट्टो। डॉक्टर फौजिया की तरफ से जो मेरा तारुफ हुआ, मैं समझती हूँ कि ये हर वर्किंग वुमन का तारुफ है और इसमें हमें फख्र है और एजाज है, और इसीलिए ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की तरफ से चंद अल्फाज इतने साल पहले लिखे गए वो मैं समझती थी कि आज आपके सामने ये लाने बहुत ही एक हिम्मत बुलंद करने का रास्ता बन गया है हमारे लिए। आज ये जो ये वर्किंग वुमेन्स असेंबली है, इसमें मैं आपके सामने मुख्तसर ये पेश करना चाहूँगी कि जो कानून साजी की गई ऑन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, इसकी थोड़ी सी और मुख्तसरन तारीफ मैं बताती चलूँ, क्या इससे वाजे हो जाएगा कि कितनी तेज़ी से इस पर अमल किया गया है। और ये शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वाहिद एक कानून है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन इतनी तेज़ी से हुई है और इसका सेहरा कई सिरों पर है, और ये भी मैं बयान करती जाऊंगी। मैं बहुत जल्दी से जो इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी उसके कुछ मेम्बरान यहाँ पर हैं, मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहती हूँ। रोमाना तनवीर हैं जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन से हैं यहाँ बैठी, मलिया हुसैन मेहरगढ़ से, मोहम्मद वसीम इंटरेक्टिव रिसोर्स सेंटर से, साजिद मुनीर इज़्ज़त ऑडिटर जनरल के ऑफिस से हैं, नुज़त मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की तरफ से यहाँ बैठी हैं, अक्सा वर्ल्ड की तरफ से, एलिस शेकलफोर्ड यूनिफम की तरफ से, इसमें डोनर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अ वुमन ऑफ सब्सटेंस हु इज़ नोन फॉर हर एक्शन एंड नॉट जस्ट टॉक।
and who is now the Minister of Women's Ministry, Women's Development, Dr. Firdaus Ashiq Awan Sahib. I am Prime Minister of Pakistan. Ko is assembly mein khushamdeed kahungi. Inki shukar guzar hoon ki inhone hamesha khawateen ke rights ke hawale se आउट ऑफ दी वे जाके डिसीजंस लिए, फिर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से इन्होंने जो कमिटमेंट दिखाई, जिस किस्म की डेडिकेशन और डिवोशन पाकिस्तान के अंदर खवातीन के राइट्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रखते हैं, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है कि मैं ये 10th वर्किंग वुमेन असेंबली जो कि आयशा के जेरासर हो रही है उसमें मौजूद हूँ, और मैं ख़ास तौर पे इसके लिए फौजिया साहिबा को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिनकी स्ट्रगल 10 साल हुए हैं उस स्ट्रगल को, लेकिन हम उस स्ट्रगल के नतीजे में जो आज ये रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि यही वो फोर्सेस होती हैं जो बैठ के और जो पार्लियामेंट के अंदर वो पैदा करती हैं कि वो शऊर और वो एक जदोजहद की वो किरण जो है कि वो पैदा करती हैं कि असेंबली के भी अरकान को कि मजबूर करें कि हम भी इस तरफ सोचें। आशा का एक रिवाज रहा है, दस्तूर रहा है कि हर साल वो चंद ऐसे इदारों को अवार्ड देती रही है जिन्होंने औरतों के काम करने के सिलसिले में माहौल को साजगार बनाया है। खवातीन के खिलाफ इम्तियाजात के खात्मे के लिए कोशां तंजीम आशा के जेरे एहतमाम मुनक़द होने वाली इस वर्किंग वुमेन्स असेंबली में शिरकत मेरे लिए कई एतबार से अहम भी है और बाइस इफ्तिखार भी। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में खवातीन से मुतालिक तमाम बिल मुत्तफिका तौर पर मंजूर कराए गए। इस ज़मन में दो इदारे हमारी खास तहसीन के मुस्तहिक हैं, एक तो स्पीकर साहबा की सरबराई में काम करने वाला वेमन पार्लियामेंट्री कॉकस है जिसके प्लेटफॉर्म पर तमाम सियासी मकातब फिक्र की खवातीन अरकान पार्लियामेंट इकट्ठी हुई और इन सब ने मिलकर वो कौमी इत्तफाक राय मुमकिन बनाया। दूसरा अहम इदारा जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो वर्किंग वुमेन से मुतालिक शहरी तंजीमों के तहत आशा का है, जिसमें डॉक्टर फौजिया सईद की क़यादत में सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे हसास मौजू पर पार्लियामेंट की मामलत और रहनुमाई की। ये कानून साजी के मैदान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक शानदार मिसाल है, और मुझे यकीन है कि सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट के दरमियान ऐसा मुफीद तावन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। एंड बिफोर आई कंक्लूड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विश टू ऐड अ फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश फॉर आवर फॉरेन गेस्ट। प्लीज बी श्योर दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट अटैचेस अटमोस्ट इंपॉर्टेंस and priority to the cause of women, especially the working women. It is in this spirit that our government has vigorously followed the Pakistan People's Party agenda of bringing women to the mainstream by appointing them to the key decision-making positions in an unprecedented way. It is also in the same spirit that we have also enacted an important legislation for which I compliment the entire parliament. Besides Asha, I would also like to reiterate my government's commitment to firmly implement the law on protection against sexual harassment with zero tolerance.
appoint Ms. Musarrat Hilali as the first woman ombudsperson in order to provide a legal forum where working women can take their grievances for a just resolution. I'm also declaring 22nd as the national, 22nd December as the national day of Pakistani working women. I'm sure that these actions of our government will pave the way for making Pakistan a gender balanced, gender friendly, and gender supportive democratic polity, where all women have equal rights and opportunities as enshrined in the Constitution for their development. आखिर में मैं पाकिस्तान की तमाम वर्किंग वेमेन को सलाम पेश करता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की में वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे. पाकिस्तान पाइंदा. फैसले आने वाली नस्लें याद रखेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.